प्यारे बच्चे, 8th क्लास में चैप्टर 12 फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 5। ये अच्छी तरह समझने वाला क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। जो ध्यान से देखो, अब हम क्या करेंगे, ये मिडल टर्म है ना, पहले से ठीक लिखना, कई बार आगे पीछे लिखे होते, पहले पावर 2 फिर एक्स पावर 1 फिर कॉन्स्टेंट, ऐसे लिखना, ये याद रखना जरूरी है। तो कैसे फैक्टर मिडल टर्म को कैसे स्प्लिट करते हैं, जरा ध्यान से, जो कांस्टेंट है वो कितना है, प्लस 12, ऐसे लिखना अपने ऊपर। अब एक्स का वेरिएंट जो कॉफिशियंट है वो कितना, प्लस साइन साथ में लिखने। अब 12 के फैक्टर आपने इस ढंग से बनाने हैं, ऐसे साइड पे बना सकते हैं। अब 2 6 12, 2 3 6, ऐसे फैक्टर बनाने की ऐड करें कि 7 आ जाए, 2 2 4 3 12, ऐसे भी 2 6 12 भी बन सकते हैं, ऐसे फैक्टर बन सकते हैं, 2 6 12 भी बन सकते हैं, 4 3 12 भी बन सकते हैं, 1 12 12 भी बन सकता है। तो आपके दिमाग में कैसे आएगा, भी मल्टीप्लीकाई करें तो प्लस 12 बने, ऐड करें तो 7 बने, तो वो जे 4 3 12। तो साइन भी चेक करना पड़ना, जहां भी प्लस लगाऊं तभी प्लस 7 बनना, 4 3 12 प्लस 12 बन गया। अब क्या करेंगे देखो, एक्स स्क्वायर प्लस, मैंने 7 को ब्रेक किया, एक्स साथ में लगने लगना, कैसे, 4x, जहां से देख के प्लस साइन साथ में 3x प्लस 12। अब करेंगे इनकी ग्रुपिंग, ऐसे पेयर कर दिए, अब इनमें से निकालेंगे कॉमन, एक्स कॉमन निकल रहा है, एक्स प्लस 4 प्लस, जहां से 3 कॉमन निकल रहा है, एक्स प्लस 3 4 12 होते हैं ना, 4, ये हमेशा एक जैसे निकलेंगे जहां। अब एक्स प्लस 4 कॉमन निकाल लो, तो क्या बचा, जहां एक्स प्लस जहां 3, तो ये बन गई फैक्टराइजेशन, दैट इज इंपॉर्टेंट। और देखो सेकंड पार्ट, वाई स्क्वेयर माइनस 10y प्लस 21, पहले तो प्लस 21 लिखेंगे, फिर y का कोफिशियंट माइनस 10, अब 21 के फैक्टर बनाएंगे, 21 इंटू 1 भी बन जाता है, 7 3 21 बन जाता है, तो ये तो पॉसिबल नहीं, तो ये चेक करते हैं, 7 3 21, अब ऐड करें कि माइनस 10 बन जाए, तो वो कैसे बनेगा, दोनों के साइन माइनस होंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, माइनस 7 को माइनस 3 से तो प्लस 21 भी बन गया, मल्टीप्लीकेशन से प्लस 21 बने, ऐड करें तो माइनस 10 बने, तो बन गया। लो बाकी टर्म में तो वैसे लिख लो माइनस, अब 7 वाई, जहां से वाई तो लगना ही, हमने केवल माइनस 10 को ब्रेक किया है, माइनस 3 वाई, ऐड करके देखो माइनस 10 वाई बन रहा है, प्लस 21 लो, अब इसमें से कॉमन निकालो, वाई वाई माइनस 7, जो कम पावर होती है ना वही बाहर निकलती है, बाकी क्या बच गया, एक दो पावर है ना, वाई बाहर निकलनी तो एक रहेगी, माइनस 3 कॉमन, तो वाई, जहां साइन जरूर चेंज करना, जब ब्रैकेट में माइनस 3 कॉमन निकाला, माइनस 3 7 21, तो 7 ही बाकी बच गया, वाई माइनस 7 फिर कॉमन निकाल लो, बाकी बच गया जहां वाई माइनस जहां 3 वाई माइनस 3, ये बन गई फैक्टराइजेशन। लो थर्ड पार्ट, ये भी ऐसे ही है, माइनस 18 प्लस 3, इसके फैक्टराइजेशन करो, 6 3 18, 9 2 18, 18 1 18, देखो कौन सा बनता है, 6 3 18 बन सकता है, चेक करते हैं। लो ये इसको प्लस लिखो, इसको माइनस, फिर ही सब्ट्रैक्ट, ऐड ऐड कैसे करते हैं, प्लस 6 माइनस 3 तो 3 होता है, प्लस का ये बन गया, मल्टीप्लाई करोगे 6 3 18, प्लस माइनस माइनस, जरा ध्यान से काम करना, ये बन गया ए स्क्वायर प्लस 3 को ही हमने ब्रेक किया, क्या लिख दें, प्लस 6 ए तो जहां से लगा लेना, माइनस 3 ए माइनस 18। अब करो ग्रुपिंग, इनकी ग्रुपिंग ऐसे डायरेक्ट ही हो जाती है, जहां प्रॉब्लम नहीं आती, ए प्लस 6 ए कॉमन आ गया, बाकी बीच में बच गया ए प्लस 6, माइनस 3 जहां कॉमन निकाल लो, ए 6 3 18 होता है ना, 3 तो बाहर आ गया, माइनस भी निकाला तो प्लस ए प्लस 6, तो ये बन गई
फिर ए प्लस सिक्स कॉमन निकाल लो, जहां ए बच गया जहां माइनस थ्री, तो ये बन गई फैक्टराइजेशन। लो ये क्वेश्चन ध्यान से देखो, थ्री पी स्केयर प्लस 18p माइनस 48 फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन फाइव का। पहले जहां से ना आप थ्री कॉमन निकाल लो, तो ये बन गया पी स्केयर प्लस 3 6 18 पी माइनस दे, जहां 6p है 3 6 18 6p माइनस 16 3 48 16 ये बन गया, ये प्लस 6p है। अब इसकी फैक्टराइजेशन हमने करनी है, माइनस 16 पहले लिखनी कांस्टेंट टर्म, फिर पी का कोफिशियंट प्लस 6 नीचे लिख लेना। अब 16 को ब्रेक करो ऐसे, 1 16 2 8 16 4 4 16, तो इससे बन सकती है 8 2 16। तो अब साइन चेक करते हैं, जहां प्लस का ना तो जहां प्लस डाल लो, जहां माइनस फिर ऐड करोगे तो प्लस 6 बनेगा। अगर उल्टा डाल दिए तो जहां माइनस बन जाना, मल्टीप्लाई करोगे प्लस 8 × -2 तो ये माइनस 16 होता, प्लस माइनस माइनस इक्वल टू 3 पी स्क्वायर प्लस 6 को क्या लिखेंगे, प्लस 8p माइनस 2p माइनस 16। 3 को ऐसे लिखते जाओ, अब कॉमन निकालना हमने, पी कॉमन निकला जहां से, ये ग्रुपिंग की जो पी प्लस 8 जहां माइनस 2 कॉमन निकाल लो, पी प्लस 8 साइन चेंज हो जाने, माइनस 2 कॉमन निकालना ना, 2 8 16 8 ही बचा। तो अब एक स्टेप जहां और कर लेते हैं, 3 अब पी प्लस 8 कॉमन निकालना, पी प्लस 8 कॉमन निकाल दिया तो बाकी क्या बचा, जहां से पी या माइनस 2, तो जे बन गई फैक्टराइजेशन। अब बारी इसकी, क्यू स्क्वायर माइनस क्यू माइनस 6, ये ध्यान से देखो, ये माइनस 6 कांस्टेंट ऊपर, माइनस क्यू हुआ कुछ ना हो तो एक होता माइनस 1, ये याद रखना। अब इसको ब्रेक करना है, ये 3 2 6 ऐसे ब्रेक होगा, 6 × 6 तो बनना नहीं, ब्रेक ऊपर वाले को ही करना नीचे वाले को नहीं। अब साइन लगाना कैसे लगाएंगे, सोचो जहां माइनस जहां प्लस, ये इंपॉर्टेंट है बात भी, साइन कैसे लगाने हैं। माइनस 3 प्लस 2 कितना होता है, माइनस 1 ही होता है, मल्टीप्लाई दोनों को करोगे माइनस प्लस माइनस, 3 2 6 - 6 बन गया क्यू स्क्वायर। अब जे साइन ना लगा देना, जे लगाने माइनस 3 क्यू, क्यू तो लगना ही लगना साथ में वेरिएबल, प्लस 2 क्यू माइनस 6। अब बन गई ग्रुपिंग, क्यू कॉमन निकाल लो, क्यू माइनस 3 जहां से प्लस 2, क्यू बच गया जहां माइनस जहां 3। अब एक स्टेप और कर लेते हैं, क्यू माइनस 3 कॉमन निकाल लो तो क्या बच गया, क्यू प्लस 2। लो अब 6 पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 42, पहले कौन सा लिखेंगे, माइनस 42 साइड पे लिखना, और एक्स का कोएफिशिएंट साइन साथ में लिखना माइनस 11। अब 42 को ब्रेक करो, 47 42 भी कर सकते हो, 42 1 42 तो होना नहीं, तो अगर आपको मुश्किल आ रही है तो ऐसे ही कर लो, कई बार मुश्किल भी आ जाती है ना। 7 1 7 दे, देखो 7 2 14 14 3 42 ऐसे बन जाना, 14 × 3 = 14 3 42 14 3 ऐसे प्रैक्टिस से होता है, जहां बना लो ना साइज, इसके फैक्टर बना लो फिर चेक कर लो कैसे बनता है। अब प्रॉब्लम साइन की, तो जहां माइनस लगाएंगे जहां प्लस लगाएंगे तभी माइनस आएगा, अगर उल्ट कर दिया तो फिर प्लस आ जाना, जी ये भी ध्यान रखना। आप इनको ऐड करोगे तो माइनस 11 बनेगा, मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 42 14 3 42 माइनस प्लस माइनस, अब इजी है, ये जरा इंपॉर्टेंट है माइनस। अब इसको स्प्लिट कीजिए ना, हमने माइनस 11 तो क्या माइनस 14 एक्स तो लगना ही है, प्लस 3 एक्स वेरिएबल तो साथ में लगाना ही लगाना है,
बाकी टर्म में फर्स्ट और लास्ट वैसे लगाते हैं, उसको कुछ नहीं करते क्योंकि मिडल टर्म को सप्लिट किया। अब इसमें से पहले और ये दो ग्रुप बन गए, कॉमन निकालो, x इंटू एक्स माइनस 14 प्लस 3, जहां कितना बना x माइनस 14 ही बनेगा, 14 या 42। अब फिर x माइनस 14 कॉमन निकाल लो, तो ये बच गया जहां x प्लस 3। अब आपको समझ लगी होगी। जहां से जरा ध्यान रखना, अगर पहला काम होता कॉमन, अगर कुछ कॉमन निकलता तो निकाल लो, जहां 5 कॉमन निकल रहा है, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 25x 30 6। लो अब बनाते हैं फैक्टर, प्लस 6 लिखेंगे, एक्स का कॉफिशियंट प्लस 5 है, ये तो 6 कम 6 तो बात बननी नहीं, 6 कम 6 से भी आता है ना, 3 दूनी 6 से बात बनेगी, ये भी ध्यान रखना पड़ता, 3 दूनी 6 साइन प्लस की, मल्टी ऐड करोगे प्लस 5, मल्टीप्लाई करोगे प्लस 6, 5 एक्स स्क्वायर प्लस 3 वेरिएबल तो लगना ही है एक्स, प्लस 2 वेरिएबल साथ में लगाओ प्लस 6, ये स्मॉल ही डाल लो कोई नहीं, इससे इतना फर्क नहीं पड़ता। अब बड़ी डालेंगे एक्स, लो ग्रुप बन गए दो, एक्स कॉमन पहले में, एक्स प्लस 3, एक्स कॉमन निकाल लिया प्लस, जहां से 2 कॉमन निकाल लो तो क्या बचा एक्स, 3 दूनी 6 3, 2 बार निकाल लिया, 6 था ना, 3 गुना 2 तो 2 बार निकाला तो 3 ही बचा जहां, तो एक स्टेप और कर लेते हैं, 5 एक्स प्लस 3 कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा जहां एक्स प्लस जहां 2। लो अगला नेक्स्ट, 3y² - 21y + 36, ये 8th पार्ट है, 3 कॉमन निकाल लो, पहले नजर लगा, अच्छी तरह देखो, नजर लगाओ कोई कॉमन तो नहीं आ रहा, y² - 7y + 12 36। अब बनाते हैं फैक्टराइजेशन, 3 तो ऐसे लिख लेते हैं, प्लस 12 लिखोगे आप पहले, फिर -7, इसको ब्रेक करो, 4 3 12, 6 2 12 भी होता वहां तो बनना नहीं, 4 3 12 से ही बनेगा, साइन दोनों माइनस के आने तभी ऐड होता है, साइन माइनस का ही लगता है, -4 - -3 आपको पता ही है -7 होता है, मल्टीप्लाई करोगे -4 को -3 से -4 - 12 + 12 आ गया, y² - 4y - 3y, क्योंकि इसको भी ब्रेक करें, देखो ऐड करोगे वापस वहीं पहुंच जाओगे, +12। लो दो ग्रुप बन गए हमारे पास, 3y - 4 - 3 साइन चेंज हो जाना, प्लस का माइनस बन जाना, और 4 3 12 होते हैं ना, 3 बार निकाल लिया, 4 बच गया। अब 3y - 4 फिर कॉमन निकाल लो तो क्या बच गया y-3, ये बन गई फैक्टराइजेशन।